multiply both sides by 2, we get 4 in bracket 100 minus x minus y minus 2y, 2 से multiply कर रहे हैं, minus 2 to get cancel, remaining is x is equal to 270. Better? Now, multiply 4, 400 minus 4x minus 4y minus 2y minus x is equal to 270. अब देखो, minus 4x minus x is nothing but minus 5x. Minus 4y minus 2y is minus 6y is equal to 270 minus 400 minus 130. So, मुझे पहला इक्वेशन जो है वो इक्वेशन मिला, माइनस माइनस हम कैंसिल करते हैं, वी गेट 5x plus 6y is equal to 130. इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, देखो. Instead, if half mark is deducted for every round, round के लिए minus half किया है यहां, and one mark is deducted for every question left, left के लिए one mark, ये वैसा ही है, plus two. Then students score 133 marks, यहां 135 मार्क्स मिले थे उसे, यहां मिल रहे हैं 133. तो बाय सेकेंड कंडीशन सेम जैसे हमने इक्वेशन वन क्रिएट किया था, इसी तरह इक्वेशन टू भी क्रिएट करेंगे, हमें मिलेगा यहां, मैं डायरेक्टली लिखता हूं 2 into 100 माइनस 2x माइनस 2y माइनस y by 2 minus 1 by 1 into x, यानि x is equal to 133. 2 है, सबको 2 से multiply कीजिए, multiply both side by 2, we get 400 minus 4x minus 2y minus y minus 2x is equal to 266. ओके, सॉलिड माइनस 4x माइनस 2x इट इज माइनस 6x, माइनस 2y माइनस 5 इज माइनस 3y. यस, इधर माइनस 2x माइनस 2y चाहिए, और यहां माइनस 2y होने के कारण यहां माइनस 4y, माइनस 4y इंटू माइनस 5 माइनस 5y इज इक्वल टू 266 minus 400. 266 minus 400 is nothing but 134. Minus 134. Minus remove कीजिए, मुझे मिलेगा 6x plus 5y is equal to 134. Equation number 2. Equation 1 मिला 5x plus 6y is equal to 133. और equation 2 मिला 6x plus 5y is equal to 134. यहां हम addition, subtraction, addition method use करेंगे. जगह कम है, इसलिए मैं addition, subtraction और addition directly करता हूं. आपको directly नहीं करना है, आपको वो सब कुछ करना है. Adding equation 1 and 2, we get 11x plus 11y is equal to 0 plus 4, 4, 3 plus 3, 6, 2. 11 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वेशन 3 मिलेगा, x plus y is equal to 11 2 जा 11 4 जा, इक्वेशन 3. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2y 1, we get
6x minus 3x, x, 5y minus 6y minus 5 is equal to 134 minus 130 is 4. इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गया। ओके, अगर हम इक्वेशन 4 मिलता है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन अगेन एडिशन, एडिंग 3 एंड 4 वी गेट x प्लस x 2x, y y गेट कैंसल, 24 प्लस 4 28 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14। हमें क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट, लेफ्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू x, सो आंसर इज नंबर ऑफ क्वेश्चन लेफ्ट इज इक्वल टू 14 इज द आंसर। एक चार्ज जो है वो चार्ज आपको आना चाहिए, अगर ए चार्ज आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मेथड तो वेरी सिंपल है। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।